अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं चिकन शावरमा। तो यहाँ पे मैंने अराउंड 500 ग्राम चिकन लिया है। अब हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून विनेगर, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, साल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और अब हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिकन मसाला और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम बेकिंग ट्रे लेकर उस पर अच्छे से ऑयल ग्रीस करेंगे। और कुछ इसी तरह से हमारे चिकन के पीसेस बेकिंग ट्रे पर रखेंगे। और यहाँ पे हम हमारे चिकन को कुछ 30 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव करेंगे। और यहाँ पे मैंने नॉर्मल मैदे का आटा गूंद कर उसके पेड़े बना लिए हैं। अब हम उसे सूखा मैदा लगा कर बेलेंगे। और यहाँ पर हम कुछ इस साइज़ की रोटी बेलेंगे और एक साइड पर ऑयल अप्लाई करेंगे और दूसरी साइड उस पर रख देंगे और अच्छे से प्रेस करेंगे। और अब हम इसकी रोटी बेल लेंगे और इसे सेकेंगे। और सेकने के बाद हम कुछ इसी तरह से रोटी अलग करेंगे और हमारा चिकन भी अच्छे से पक चुका है। अब हम उसे कुछ इसी तरह से पीसेस में कट करेंगे। अब जो हमने रोटी सेकी थी, अब हम उस पर मेयोनीज स्प्रेड करेंगे। और अब हम स्प्रेड करेंगे शेजवान चटनी। अब हम इस पर ऐड करेंगे चॉप्ड कैबेज और अब हम ऐड करेंगे कैप्सिकम और अब हमने ऐड कर लिया है कुकम्बर और अब हम इस पर ऐड कर लेंगे हमारे चिकन के पीसेस। और इसी तरह से इसे रोल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा शावरमा तैयार है। आप इसे ट्राई करें और हमारे चैनल को सब